नमस्ते भारत, मैं हूँ आदर्श झा और हम तीनों ही तैयार हैं आपके लिए देश और दुनिया की सारी जरूरी खबरें लेकर। नमस्ते भारत, नमस्ते भारत, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा मिश्रा। छोटी दिवाली है, ऐसे में एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते भारत, रोज की तरह न्यूज रूम से हाजिर हूँ मैं अपने दो सहयोगियों के साथ अमांद्रा भट्ट। और शुरुआत करेंगे नमस्ते भारत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां के सफानगिरी में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ कल रात से ही जारी थी और सुबह सुबह आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। देर रात से ऑपरेशन शुरू हुआ था, अभी ऑपरेशन खत्म हो चुका है। दो आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि सफानगिरी इलाके में दो आतंकी मौजूद हैं और लगातार कल रात से ही उनके साथ मुठभेड़ जारी थी और सुबह सुबह ये अच्छी खबर आई, दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने सफानगिरी में मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया की है ये घटना। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राम की नगरी अयोध्या में आज योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाने वाले। राम मंदिर के निर्माण के हलचल के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में छोटी दिवाली मनाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तर्ज पर सीएम 152 मीटर लंबी राम की मूर्ति लगाने का ऐलान भी कर सकते हैं। आज अयोध्या में कुल 6 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। योगी सरकार ने इसे भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रामलीला झांकी और प्रकाश उत्सव की तैयारी की जा रही है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीप दान की तैयारी चल रही है, यहाँ पर प्रकाश उत्सव मनाया जाए जिसमें 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कवायद होगी, इसके प्रयास में लगे हुए हैं। दोपहर 12 बजे से महाविद्यालय से निकलने वाली शोभा यात्रा जिसमें भगवान राम के जीवन की झलकियां दिखाई देंगी, शाम को सरयू नदी पर आरती होगी, फिर लेजर शो और आतिशबाजी से कार्यक्रम का समापन होगा। और सरयू के घाट पर आज चलेंगे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिवाली के मौके पर अयोध्या सज चुकी है, मंदिरों से लेकर घाटों तक में रौनक है और लोग बेसब्री से दीपोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार 1,82,000 दीपों से दीपोत्सव अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया था, तो इस बार सरयू घाट पर दीपों का ये रिकॉर्ड भी टूटता नजर आ रहा है। इस बार जानकारी के मुताबिक 3.5 लाख दिए यहाँ पर जगमगाने वाले हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और हमें यह सूचना भी दी गई है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। दीपोत्सव से पहले लोगों को नई तकनीक की मदद से भगवान राम के बारे में भी बताया जा रहा है। और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी अयोध्या में आज बनेंगी विशेष अतिथि। इस बार अयोध्या में छोटी दिवाली के पर्व को खास बना रही है एक खास मेहमान। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक आज सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। उनके साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक और बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन भी शामिल होंगे। सबसे खास होगा यहाँ पर इस बार जो मेहमान है वो फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक यहाँ पर आ रही है जो की कोरिया की फर्स्ट लेडी है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो पिछले बार साल भी यहाँ शरीक हुए थे। किम जोंग सुक और योगी आदित्यनाथ रानी हो के स्मारक के विस्तारीकरण का शिलान्यास भी करेंगे और वहाँ एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित होगी। भगवान राम और सीता पुष्पक विमान से राम कथा पार्क में अवतरित होंगे जिनका स्वागत खुद सीएम योगी और कोरिया की फर्स्ट लेडी करेंगे। अब देखिए, बीजेपी नेता विनय कटियार ने फैजाबाद का नाम अयोध्या करने की मांग की है। दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों के बीच राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी नेता विनय कटियार ने मंदिर निर्माण का राग छेड़ दिया है। कटियार ने मंदिर निर्माण में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार बता दिया है। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगी क्योंकि कोर्ट का जो रुख है वो कांग्रेसी हो गया है। अयोध्या पहुंचे कटियार ने अध्यादेश के सवाल पर बहुमत का हवाला देते हुए गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। रोड़ा तो इसी बात का है कि उतना बहुमत नहीं, राज्यसभा में बहुमत नहीं तो कैसे हो जाएगा। विनय कटियार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से फैजाबाद जिले का नाम बदलने की भी मांग कर दी। फैजाबाद जिला का नाम है, इसको अयोध्या जिला घोषित करें, उसी में दीपावली अच्छी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम के घर मनेगी दिवाली, अयोध्या में आज दीपोत्सव, अयोध्या में जलेंगे 3.5 लाख दिए, विशेष अतिथि के लिए विशेष आयोजन, योगी कर सकते हैं राम मूर्ति का ऐलान, चुनाव से पहले बजने लगी मंदिर की धुन, अयोध्या में छोटी दिवाली पर बड़ी कवरेज। और पीएम मोदी कल करेंगे केदारनाथ के दर्शन।
2013 की महाप्रलय के बाद से केदारनाथ धाम लगातार अपने पुराने और नए रंग रूप में विकसित हो रहा है। इसी सिलसिले में -8 डिग्री तापमान और बर्फबारी के बीच पीएम मोदी कल केदारनाथ पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मंदिर में पूजा करेंगे और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बने मास्टर प्लान की समीक्षा भी करेंगे। केदारनाथ मंदिर आता है तो वो सबसे पहले इस रोड से होता हुआ इस चबूतरे पर पहुंचेगा और चबूतरे पर पहुंचने के बाद बिल्कुल सामने जो केदारनाथ मंदिर दिख रहा है वहाँ इस 50 फीट रास्ते से होते हुए मंदिर तक जाएगा। मास्टर प्लान में मंदिर के सामने 50 फुट चौड़ी सड़क, सड़क के दोनों तरफ इमारतें, हाट बाजार, म्यूजियम और मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि समेत कई चीजें शामिल हैं। और पीएम मोदी ने आईएनएस अरिहंत को देश को समर्पित कर दिया है। धनतेरस के मौके पर देश की पहली परमाणु पनडुब्बी को पीएम मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। अरिहंत पनडुब्बी करीब एक महीने समुन्द्र में पेट्रोलिंग कर वापस लौटी है। ये जल, थल और आकाश में मार करने में सक्षम है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीनों स्तर की सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरिहंत के चालक दल के सदस्यों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए इशारों इशारों में पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं की नो एंट्री अब तक जारी है। केरल के सबरीमला में भगवान अयप्पा के मंदिर के कपाट कल शाम खुले, लेकिन 10 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को एंट्री नहीं मिल सकी। इस बार सुरक्षा के और भी तगड़े इंतजाम थे, लेकिन महिलाएं अंदर नहीं जा सकी। केरल के पंबा से पहुंची महिला श्रद्धालु अंजू परिवार के साथ दर्शन के लिए आई, लेकिन विरोध के कारण उसे बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। पहली बार सबरीमला मंदिर के आसपास 15 महिला पुलिस का दस्ता भी तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी पाबंदी हटा दी थी, लेकिन मंदिर के पुजारी से लेकर लाखों श्रद्धालु महिलाओं की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां हवा तो खराब है लेकिन धुंध में कल के मुकाबले कमी हुई। अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाके में रह रहे हैं तो आप रोजाना 15 से 20 सिगरेट के बराबर धुआं पी रहे हैं। प्रदूषण का हाल ये है कि लोगों को घरों से बाहर ना जाने की हिदायत दी जा रही है। दिल्ली में आज सुबह का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रहा, यानी 20 सिगरेट के बराबर धुआं हमारे शरीर में जा रहा है। नोएडा एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 तक पहुँच गया, यानी 21 सिगरेट का धुआं शरीर में जा रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 507 पहुंच चुका है, यानी 23 सिगरेट के बराबर धुआं शरीर में जा रहा है। दिवाली को देखते हुए हवा और भी खराब होने की आशंका जताई जा रही है। और अब देखिए कैसे कश्मीर के किसानों को बर्फ ने रुला दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कश्मीर का बताया जा रहा है। अचानक हुई बर्फबारी से सेब को नुकसान होने के बाद किसान रोता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो कहां का है ये तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन कश्मीर में 1 नवंबर से बर्फबारी हो रही है, जिससे सेब किसानों को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ा है। बर्फबारी से हुए नुकसान के बाद सेब किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में जगह जगह सड़कें भी बंद हो गई हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है और इसका सबसे ज्यादा असर वहाँ के रास्तों पर पड़ रहा है। सामने बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और इस मशीन से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को लेह और कारगिल हाईवे से जोड़ने वाला जोजिला पास है। बर्फबारी से जोजिला पास पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है, जिसकी वजह से 2 दिनों से जोजिला पास बंद है और अब -25 डिग्री तापमान में आर्मी के जवान जोजिला पास से बर्फ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां मस्जिद की मीनार को लेकर बवाल मच गया। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीरें हैं, जहां जहांगीरबाद के अमरगढ़ इलाके में मस्जिद की 80 फुट की मीनार की वजह से विवाद बढ़ गया है। आरोपी के यहां 35 फुट की मीनार बनाने की इजाजत मिली थी, लेकिन 80 फुट की मीनार बना दी गई। इसी का हवाला देकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मजदूर को बुलाकर मीनार को तोड़ने का प्रयास किया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत किया। मस्जिद के मीनार का विवाद कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुनवाई चल रही है।
तो आज सबकी नजर कर्नाटक पर होगी क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आने हैं। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के नतीजे आज आ रहे हैं। शिमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीट पर बीजेपी को कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं। तीनों खाली हुई सीटों में से 2 बीजेपी के पास और 1 जेडीएस के खाते में थी। आज ही विधानसभा की भी 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। रामनगरम विधानसभा सीट सीएम कुमार स्वामी के छोड़ने से खाली हुई थी, वही कांग्रेस विधायक सिद्धू न्यामगौड़ा के निधन के बाद जमखड़ी में उपचुनाव हुआ था। 2019 से पहले बीजेपी के खिलाफ गठबंधन टेस्ट का एक और नतीजा आज सामने आ जाएगा। अब खबर ओडिशा से है जहां पर 5 नक्सली मारे गए हैं। जंगल में कॉम्बिंग करते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ये तस्वीरें ओडिशा के मलकानगिरी इलाके की है, जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में 5 खूंखार नक्सली मारे गए हैं। मलकानगिरी जिले में चित्रकोंडा इलाके में जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों समेत कुल 5 नक्सली मारे गए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की टीमें 2 दिन से लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि जंगल में 15 नक्सली छिपे हुए हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बात करेंगे यूपी के गोरखपुर की, जहां पर भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां पकड़ी गई हैं। त्योहारों पर जहां मिलावटी मिठाइयों से बाजार पटा हुआ है, तो वहीं कई जगह मिठाई बनाने वाले भी मानक और नियमों को ताक पर रखकर मिठाइयां और अन्य सामान बना रहे हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिलावटी मिठाई को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने 15 दुकानों और फैक्ट्री पर छापा मारा। गोरखपुर के बाजारों से करीब 1500 किलो मिलावटी सोन पापड़ी को सीज किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम दिवाली से पहले लगातार छापेमारी कर मीठे जहर के इस काले कारोबार से लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आज छोटी दिवाली है, इससे पहले कल धनतेरस पर बाजारों में खूब रौनक दिखी। आज पूरा देश छोटी दिवाली मना रहा है, लेकिन कल धनतेरस पर देश भर में जोर शोर से खरीदारी की गई। राजधानी दिल्ली में एक तरफ लोग धनतेरस के दिन ज्वेलरी खरीद रहे थे, तो दूसरी तरफ फुटकर दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लोगों ने दिवाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की शॉपिंग की। वहीं जम्मू के कई ज्वेलरी शॉप पर भीड़ लगी रही। कार विक्रेताओं के यहां भी खरीदारों का तांता लगा रहा। वहीं पटना में धनतेरस को लेकर बाजार गर्म रहा। जयपुर का जौहरी बाजार भी इस साल ग्राहकों से भरा दिखा। पूरी दुनिया में इस बाजार की पहचान सोने चांदी और मूल्यवान रत्नों से बने गहनों की वजह से है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां के जेपी ग्रीन्स रिजॉर्ट में कुक की हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के मशहूर जेपी ग्रीन रिजॉर्ट में खाना बनाने वाले की हत्या से सनसनी फैल गई है। रेस्टोरेंट के किचन में झारखंड के रहने वाले एक कुक की लाश संदिग्ध हालत में मिली। कुक ने पिछले महीने ही यहां नौकरी ज्वाइन की थी। मृतक के पेट में चाकू घोंपा गया था। चाकू अब भी लाश में लगा हुआ है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस जेपी ग्रीन रिजॉर्ट पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने भी मौके वारदात पर पहुंचकर मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि कुक की मौत का राज क्या है। अब देखिए, ईरान से तेल लेने पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका के ईरान पर लगाए प्रतिबंधों के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध के बीच 8 देशों को ईरान से तेल खरीदने की अनुमति दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि We have the toughest sanctions ever imposed, but on oil we want to go a little bit slower because I don't want to drive the oil prices in the world. This has nothing to do with Iran. I don't want to drive the oil prices in the world up, so I'm not looking to be a great hero and bring it down to zero immediately. I could get the Iran oil down to zero immediately, but it would cause a shock to the market. दरअसल भारत इराक और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से ही खरीदता है। तो नमस्ते भारत में आज इतना ही। कल एक बार फिर से एबीपी न्यूज के न्यूज रूम से लेकर हम हाजिर होंगे। नमस्ते भारत। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।